लेट्स क्रिएट दिस ईद मेकअप लुक यूजिंग ग्लैमरस फेस मेकअप। सबसे पहले इनका प्राइमर, जो कि स्किन पे लगते ही स्किन ग्लोई हो जाती है और फाउंडेशन ऐसे मक्खन की तरह लग जाता है। ये ग्लैमरस फेस की HD सिनेमा एंड TV स्वेट प्रूफ फाउंडेशन, जो कि बहुत अफोर्डेबल और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की है। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी फाउंडेशन हो जो गर्मियों में आपके फेस पे फ्लॉलेस दिखे, तो ये आप ज़रूर परचेज। अब बारी आती है इनकी कवर स्टिक की, जो बड़ी ही एक जादुई स्टिक है, जिससे आपके फेस के डार्क स्पॉट ऐसे छूमंतर हो जाते हैं जैसे गधे के सर पे से सींग। अब लगाते हैं इनका 2-way फेस पाउडर, जो के एक साथ पाउडर और फाउंडेशन दोनों का काम करता है। इसको लगा के मुझे ऐसे सैलून वाले मेकअप की वाइब्स आने लगी, इतना फ्लॉलेस बेस बना है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये रही मेरी मोनालिसा जैसी ब्राउज, इनके लिए मैं यूज करूंगी ग्लैमरस फेस की ब्राउ पेंसिल। इसके बाद मैं लगा रही हूँ इनका ये लिप एंड चीक टिंट, जिससे मुझे तो बेहद प्यार हो गया और मुझे पता है अगर आप यूज करेंगे तो आपको भी इससे प्यार हो ही जाएगा। ये चेक करें इसका पिगमेंट कितना जबरदस्त है, ये आपकी स्किन पे लगते ही बिल्कुल आपको एक परफेक्ट ब्लश ऑन का शेड प्रोवाइड करे, बहुत ही परफेक्ट शेड आता है। और चलें अब इस मोटे गोलगप्पे से मुंह को ग्लैमरस फेस का कॉन्टोर पैलेट यूज करते हुए मैं करूंगी स्लिम। और अब आता है सबसे मुश्किल काम, आई मेकअप। खैर ये भी ग्लैमरस फेस का आई शेडो पैलेट की वजह से बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसका फॉल आउट बिल्कुल भी नहीं है। वन गो में बहुत अच्छा मेकअप हो जाता है, आईज पर बार बार आई शेड नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। और अब ये मैं सस्ती सी ट्रांजिशन करते हुए, अब मैं लगा रही हूँ इनकी व्हाइट अंडर आई पेंसिल, जिससे आपकी आईज बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, बिल्कुल डॉल जैसी। तो अब मैं लगा रही हूँ इनकी आई लैशेज, जो कि बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है और आईज में इरिटेशन बिल्कुल नहीं करती। चले अब जल्दी जल्दी से मैं आई लाइनर और मस्कारा लगा लेती हूँ और हो गया मेरा आई मेकअप कम्प्लीट। अब मैं लगा रही हूँ इनका हाईलाइटर, जो कि इतना प्यारा है, उफ ये ग्लो चेक करें आप लोग, ये ग्लो तो रोने के बाद भी फेस पे नहीं आता जितना इस हाईलाइटर से आ गया है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ इनकी लिपस्टिक और ये लिप टिंट। इनकी लिपस्टिक में है एलोवेरा, जो कि आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है, और एक बहुत ही प्यारा इनका ये शेड है, यहाँ पे मैंने शेड मेंशन कर दिया है। तो ये रहा कुछ लुक। और लास्ट में मैंने लगाया था मेकअप फिक्सर, जिसकी वीडियो जो है वो मुझसे मिस हो गई है, मैं भूल गई हूँ वो वीडियो बनाना। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा आपके सामने। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा।